ज़्यादा जोड़ी इसमें कपड़े आ जाते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये देखिए इतने सारे कपड़े आपके इसमें इजिली तय होके आ सकते हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें, देखने में छोटा है लेकिन स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो 4 आ जाते हैं इस तरीके से। और देखिए इसकी स्टिफनेस भी काफ़ी अच्छी बनी है, हमने इसमें राइस बैग का यूज़ किया है, फॉर्म शीट का यूज़ नहीं किया है, तो घर में पड़ी चीज़ों से आप इसे बना सकते हैं। अंदर देखिए काफ़ी अच्छा स्पेस है, ये सारे कपड़े हमने इसमें डाले हुए थे, तो इस तरीके से कपड़े के दो पीसेज लिए हैं। इसकी लंबाई मैंने ली है 8.5 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 7 इंच। सबसे पहले हमें इसे शेप देनी है, तो यहाँ से हम इसे फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। ये मैंने इसे फोल्ड कर लिया, यहाँ से हल्का सा गोलाई में जाते हुए, यहाँ से इस तरीके से देखिए आपको गोलाई देनी है, गोलाई देते हुए इस तरीके से इसकी कटिंग कर लीजिए। टू पीसेस मैंने कट कर लिए, अब हमें क्या करना है, वन पीस लाइनिंग का लेना है इस तरीके से। इसके बीच में आप जो भी इंसर्ट करना चाहते हैं, फॉर्म शीट, रबर शीट, मैं प्लास्टिक वाला राइस बैग यूज़ कर रही हूँ वो रखना है, उसके ऊपर ये हमने जो कटिंग की है ये रखना है। इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए, फिर बाद में हम कटिंग कर लेंगे। सेम उसी तरीके से इसे भी रेडी करिए, ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी, अब इसे इसी शेप में कट कर लीजिए। इसे देखिए एक पीस हमारा ये बन गया, एक ये बन गया, ये दोनों रेडी हो गए। अब हम इसके ऊपर यहाँ पे पॉकेट लगा बनाने के लिए मैंने इस तरीके से दो पीसेस लिए हैं। इसकी विड्थ मैंने इसके बराबर लिया है, एक पीस इसके लिए, एक पीस इसके लिए, दो हमें जिप चाहिए इसके बराबर की, सेम विड्थ की दो पीसेज मैंने जिप ली है। इसकी लेंथ बता देती हूँ मैं आपको, मैंने कितनी ली है, ये मैंने लिया अप्रॉक्सीमेट 5 इंच। अब आपको करना क्या है, ये रखना है जिप की सीधी तरफ, अंदर की तरफ रखनी है इस तरीके से रखते हुए, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लिखिए, ये मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे इस तरीके से पलटते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लीजिए, ये मैंने टॉप स्टिच लगा लिया, तो हमारी पॉकेट रेडी हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे आना है इस तरीके से, यहाँ पे नाप लीजिए कितने इंच पे आपको लगानी है, इस तरीके से आपको रखना है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली, ये मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे इस तरीके से पलट दीजिए, तो देखिए हमारी जिप लग गई, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए और एक्स्ट्रा को कट कर लीजिए। और जैसे इसे रेडी किया है वैसे ही जो हमारा दूसरी वाली साइड है, इसे भी रेडी कर लीजिए, ये मैंने इस पर सिलाई लगा ली और एक्स्ट्रा कट कर दिया। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमारी पॉकेट बन गई, एक पॉकेट हमारी यहाँ पे बन गई, एक पॉकेट हमारी यहाँ पे बन गई, तो दोनों हमारे साइड वाले पीसेज रेडी हो गए। अब हमें क्या करना, इसके साइड का नाप लेके हम एक रेक्टेंगल पीस कट करेंगे, तो रफली हम इसे इस तरीके से मेजर कर लेते हैं, इस तरीके से रखते हुए पूरा राउंड में आपको इसे नाप लेना है कि आपका कितना है। ये तो ये मेरा 26.5 इंच है, तो मैं 27 इंच की इसमें स्ट्रिप कटिंग कर लूंगी। तो 2 मिनट हम इसे साइड पे रखते हैं, देखिए इस तरीके से मैंने रेक्टेंगल पीस बना लिया है। अभी जो मैंने आपके सामने मेजरमेंट लिए 27 इंच, ये मैंने लिया है 27 इंच और इसके विड्थ मैंने ली है 15 इंच, इसकी मैंने विड्थ ली है। इसमें भी नीचे लाइनिंग, बीच में इस तरीके से राइस बैग और ऊपर कपड़ा रख के सिलाई लगाई हुई है। तो एक रेक्टेंगल पीस हमने ये ले लिया, ये हमारा फ्रंट और बैक बनेगा इससे, और इससे हमारी साइड्स बनेंगी। अब हमें क्या करना है, अब हम इसे पहले यहाँ साइडों से पाइपिंग से फिनिश कर लेते हैं और इसमें जिप लगा लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने नॉर्मल स्ट्रेट पट्टी ली है, इसके साइज की आपको इसे लेना है, इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ हम इसे पाइपिंग से फिनिश करेंगे। तो यहाँ रखना है इसे उल्टी तरफ इस तरीके से रखते हुए, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई, ये मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे दूसरी तरफ को आपको पलटना है इस तरीके से, पलटते हुए इस तरीके से मोड़ते हुए, देखिए हमारी पाइपिंग सी बन जाएगी। यहाँ पे इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ सिलाई लगा, इसे पाइपिंग से फिनिश कर लिया दोनों तरफ। सिर्फ 2 मिनट हम इसे साइड पे रखते हैं, पहले स्ट्रैप बना लेते हैं। स्ट्रैप बनाने के लिए इस तरीके से दो पीसेस कपड़े लिए हैं, इसके बीच में इस तरीके से राइस बैग प्लास्टिक वाला मैं इंसर्ट करूंगी। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ आपको मैंने क्या लिए हैं, ये मैंने लिया 21 इंच और इसकी विड्थ मैंने ली है 3.5 इंच। अब इसके बीच में इस तरीके हैं, यहाँ पे इस तरीके से
यहाँ पे रखना है, यहाँ से भी आपको फिनिश करना है। तो यहाँ से आपको फोल्ड कर लेना है सिलाई लगाते हुए, यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसे फोल्ड करना है और इसके ऊपर रखना है। यहाँ से देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ से ये मैंने इसके ऊपर फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से फोल्ड करते हुए पूरे पे सिलाई लगा के रेडी कर लीजिए। इसे और इसे दोनों स्ट्रैप को रेडी कर लिया सिलाई लगा के, यहाँ से फिनिशिंग के साथ मैंने इसे रेडी किया। अब हमें क्या करना है, इस पे हमें एक और सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हमें 2-2 इंच का निशान लगाना है। निशान लगा दिया, 2 इंच का निशान यहाँ लगा दिया। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करना है, यहाँ पे सिलाई नहीं करनी है जो 2 इंच का निशान है। इस तरीके से इसे फोल्ड करते हुए यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करना है। फोल्ड करते हुए इसे पूरा इस तरीके से फोल्ड करते रहना है और यहाँ तक सिलाई लगानी है। तो यहाँ से लेके इस निशान तक इस पे सिलाई, ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली। तो इस तरीके से दोनों स्ट्रैप मेरी रेडी हो गई। तो काफी मजबूत और काफी अच्छी स्टिफ बनी है हमारी ये स्ट्रैप्स। तो अब हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन कैसे करना है, इसका सेंटर पॉइंट लेना है। यहाँ से मैंने 3 इंच पे निशान लगाया, 3 इंच के बाद 2 इंच का निशान इस तरफ, 2 इंच का निशान इस तरफ लगाया और फिर स्ट्रैप को रखना है यहाँ पे इस तरीके से, इस निशान के इस तरफ, दूसरी वाली को इस तरफ, इस तरीके से फ्लैट बिछाते हुए। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक और इस पे ये मैंने स्ट्रैप लगा ली। एक स्ट्रैप इस तरफ, एक स्ट्रैप इस तरफ। अब हम इसमें जिप लगा लेते हैं। तो ये मैंने जिप ले ली, इस साइज की मैंने जिप ली है। जस्ट सिंपल यहाँ पे रखना है, ये हमने फिनिश किया हुआ है। इस तरीके से जिप को रखना है नीचे और इस पे पूरे पे लंबाई में सिलाई लगा, जिप नीचे की तरफ रखते हुए पूरा मैंने इस पे लंबाई पे सिलाई लगा लिया। अब हमें दूसरी तरफ से भी ऐसी लगाना है। जिप का दूसरे वाला पीस यहाँ पे रखना है, देखिए इस तरीके से ऊपर रखते हुए पूरा लंबाई में इसमें सिलाई लगा। ये मैंने सिलाई लगा ली और इसमें रनर को इंसर्ट कर दिया। तो इस तरीके से देखिए दोनों पीसेस के बीच में रख के मैंने जिप को सिंपल सिलाई लगा लिया। तो ये हमारी जिप लग गई। अब हम इसे अंदर की तरफ को फोल्ड कर लेते हैं। आपको फोल्ड कर लिया, अब हम साइड से अटैच कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके सेंटर पॉइंट पे मैंने निशान लगाया, इसका सेंटर पॉइंट ले लेना है। इसके सेंटर पॉइंट को यहाँ पे हमने जो जिप लगाई है वहाँ पे सेंटर पॉइंट से मिलाना है और इस तरीके से यहाँ से सिलाई शुरू करते हुए गोल सिलाई लगाते हुए पूरा यहाँ तक सिलाई लगानी है। सेम उसी तरीके से दूसरे वाले पीस को यहाँ पे लगाना है इस तरीके से। यहाँ पे पिन लगा लेती हूँ पहले मैं। ये मैंने जिप पे पिन लगा ली। अब इसे यहाँ पे सेंटर में रखते हुए, सेंटर पॉइंट लेते हुए पूरा इस पे सिलाई लगा ली। तो पूरा राउंड पे इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ सिलाई से इसे रेडी कर ली। ये मैंने इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली, इस तरफ भी और सेम उसी तरीके से इस तरफ भी। तो दोनों साइड वाली पट्टी जुड़ गई। अब यहाँ जिप वाले पोर्शन की तरफ से इसे सीधा कर लीजिए। सीधा करने से पहले रफ है, जिसको सिंपल पट्टी से फिनिश करना चाहते हैं तो सिंपल पट्टी से फिनिश कर लीजिए। ये देखिए ये मैंने इसे सीधा कर लिया। तो सीधा करने के बाद देखिए इस तरीके से आया, फ्रंट साइड, बैक साइड, साइड्स, साइड में देखिए इस तरीके से जिपर के साथ जिपर पॉकेट। वन पॉकेट हमारी इस तरफ है, एक पॉकेट हमारी इस तरफ है। यहाँ से टॉप पे ओपनिंग के साथ मैंने इसमें कपड़े रखे हुए आपको स्पेस दिखाने के लिए। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा जोड़ी इसमें कपड़े आ जाते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये देखिए इतने सारे कपड़े आपके इसमें इजिली तय होके आ सकते हैं। देखिए काफी ज्यादा स्पेस है इसमें, देखने में छोटा है लेकिन स्पेस बहुत ज्यादा है इस तरीके से। और देखिए इसकी स्टिफनेस भी काफी अच्छी बनी है। हमने इसमें राइस बैग का यूज किया है, फॉर्म शीट का यूज नहीं किया है। तो घर में पड़ी चीजों से आप इसे बना सकते हैं। अंदर देखिए काफी अच्छा स्पेस है, ये सारे कपड़े हमने इसमें डाले हुए थे। तो इस तरीके से ये हमारा बैग देखिए बिल्कुल रेडी टू यूज है, बिल्कुल रेडी हो गया है।